नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पहले नेताओं में ट्वीट वॉर हुआ, फिर पोस्टर वॉर हुआ और अब कार्टून वॉर शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा गया। कार्टून के को ट्वीट कर दिखाया गया कि एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली, फिर भी उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साल में साइकिल के आने का ख्वाब देख रहा है जो कि एक ना संभल पाया वो 22 में क्या संभलेगा। 22 नहीं मिलेगी बबुआ, यकीन ना हो तो एक बार फिर से बुआ से पूछ लो। बीजेपी ने कार्टून में 22 को 2022 के चुनाव से जोड़ा है। हमले का मतलब यानी कि पूरी तरह से साफ है कि अखिलेश यादव कुछ भी कर ले उन्हें 2022 में सत्ता हासिल तो होने वाली नहीं। अब इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनेताओं को अपमानित करना सही नहीं, चुनाव में जनता इनका ही कार्टून बना देगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 22 में जनता आखिर किसका कार्टून बनाएगी, क्या कार्टून वॉर से सत्ता हासिल होगी? और बीजेपी के इस कार्टून वार से अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा जरा वो देख लीजिए। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं। कभी किसानों का कार्टून बना के अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई ना कोई कार्टून बनाएगा और जनता इनका कार्टून बनाने के लिए तैयार है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके और दूसरी पार्टियों के सियासी रिएक्शन को भी जरा आप देख लीजिए। पंचायत के चुनाव में 300-400 पंचायत सदस्य रहे जो लोग जीता पाए वो 300-400 विधायक जिताने की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी राजनीतिक परिपक्वता की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें अपने सांगठनिक तंत्र के आधार पर और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का कार्य किया है उस उपलब्धियों के आधार पर जीत कराई थी। और आज अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो उसका कारण है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की डबल इंजन सरकार ने जिस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है हमें भरोसा है। इस पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा कर प्रदेश ने इतना बड़ा जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो सत्ता के अहंकार में चूर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों से जो वादे किए थे उन्हें भूल चुके हैं। सपा और बसपा के साथ भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती कर रही। उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को देख रहा है। 2017 में कहा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब गन्ना किसानों की आवाज उठाती हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर आवाज उठाती हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई जवाब नहीं देती। बीजेपी के अहंकारी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी सिर्फ नूरा कुश्ती में मशगूल हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हर इस कदर सताने लगा है कि वो जनता के असली मुद्दों पे चर्चा ना करके वो ओछी घटिया स्तरहीन राजनीति कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 में ऐसी असंस्कारिक घमंडी और तानाशाह पार्टी को सत्ता से हटा के सबक सिखाएगी। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये जनता का ध्यान हटकाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं, इस तरह के कार्टून बनाएंगे, बुआ बाजान, अब्बा जान, मम्मी जान इसकी बात करेंगे, नए महंगाई की बात करेंगे, नए बेरोजगारी की बात करेंगे, नए किसानों के दर्द का बात करेंगे, ये इनकी आदत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह की बयानबाजी राजनीतिक दलों की तरफ से आ रही है ये बहुत ही शर्मनाक है। खासकर जो ये सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई भी ऐसी बात नहीं करती है जो पब्लिक के काम की हो।
यानी कि इनको 5 साल सत्ता में होने वाले हैं, लेकिन आज इनके पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है, इनके पास अपना गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। तो इनका चुनाव प्रचार जो है वो केंद्रित है नफरत पर और विरोधी पार्टियों का मजाक उड़ाने पर। ऐसा लगता है जैसे भाजपा सत्ता में होकर भी अभी तक विपक्ष में ही है। तो यूपी में चुनाव बेहद नजदीक, लेकिन उन चुनावों से पहले क्या क्या हो रहा है ये देखिए जरा। पहले पोस्टर वॉर हुआ करता था और धीरे धीरे अब ये पोस्टर वॉर जो है वो कार्टून वॉर पर सीमित हो गया है। बीजेपी जिस तरह से कार्टून वार का बीजेपी पर आरोप लग रहा है, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं, अखिलेश यादव को खासतौर पर अभी हमने सुना थोड़ी देर पहले, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी का ही कार्टून बन जाएगा आने वाले वक्त में। तो क्या कैसे वो कार्टून बनेगा और क्यों इसके लिए आश्वस्त हैं अखिलेश यादव, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बीजेपी की जरा ये कारस्थानी जरा देख लें आप कि किस तरह से बीजेपी के एक ट्वीट ने चारों ओर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। और ये हलचल मचाई है उस कार्टून ने जिसमें समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उनकी पार्टी को ना बेहतर दिखाने की कोशिश की गई है और लोगों की, उत्तर प्रदेश की जनता को खासतौर पर इस पोस्टर के माध्यम से शायद ये बताने की कोशिश भी की है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना गलती होगी। 2022 एक बार फिर से बीजेपी आए, इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है और लगातार इसके लिए बैठकों का दौर जारी है, लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी एक्टिव है। हालांकि सभी पार्टियां होती हैं, लेकिन अगर बीजेपी के संदर्भ में हम यहां बात करें तो बीजेपी अब पोस्टर वॉर के बाद शुरू हो गई है कार्टून वॉर करने के लिए और बाकायदा इसे ट्वीट भी किया है जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी ओर से भी इस पर आपत्ति जताई गई है। आखिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है? जब बीजेपी अगर आश्वस्त है जीत को लेकर तो फिर किसी भी एक पार्टी को लेकर क्यों इस तरह से किया जा रहा है? आप अपनी पार्टी का बखान करिए, आप अपने किए हुए कामकाज लोगों के बीच रखिए, जन जन से मिलिए और ग्राउंड लेवल पर काम करिए, जो कि अब बीजेपी अक्सर कहती भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस तरह से घेरना क्या वाकई जरूरी था? साइकिल को दिखाया है उन्होंने इस कार्टून में और बाकायदा से ट्वीट किया है। अखिलेश ने इस पर पलटवार किया है और उनका कहना है आने वाले इलेक्शन में जनता ही इनका कार्टून बना देगी। तो यानी कि जनता जो है वो बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, ये कहने की कोशिश अखिलेश यादव ने की, तभी शायद वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो बीजेपी है उसका कार्टून लोग बनाएंगे। एक तरह से समाजवादी पार्टी की खिल्ली उड़ाई है इसके जरिए अखिलेश का पलटवार इस पर, इस कार्टून के जरिए समाजवादी पार्टी की खिल्ली उड़ाते नजर आए बीजेपी और अखिलेश यादव। और आइए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे खास गेस्ट विवेक साइलस जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, विनय पटेल हमारे साथ हैं प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता हैं आरएलडी, और एस एन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस से भी हमारे साथ अजय चंद्र चौबे जी जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहला आरोप जिस पर लगा है उन्हीं से बात कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ में एस एन सिंह जुड़े हैं। एस एन सिंह जी, क्या वाकई बीजेपी को अब यह नौबत आ गई है कि किसी पार्टी को इस तरह से कार्टून के जरिए जनता के बीच में खराब दिखाना, क्या बीजेपी के पास यही एकमात्र विकल्प बचा है? क्यों कार्टून पर ट्वीट किया जा रहा है किसी पार्टी को बनाकर? देखिए 2022 में हमारी सरकार आ रही है, कार्टून के माध्यम से केवल ये बताया गया है कि माननीय मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि बड़ा सुरक्षित साइकिल हम अखिलेश जी को दिए थे, लेकिन अखिलेश जी के शासन में अखिलेश जी कुछ लोगों से घिर के जिस तरह से काम किए, जिस तरह से लूट खसोट हुआ, जिस तरह से प्रदेश में अराजकता फैला और बलात्कार की घटनाएं हुई, तमाम इस तरह की जो घटनाएं हुई, उसलिए उसके बाद वो साइकिल पंचर होने लगी। अच्छा। बची खुची जो थी वो गठबंधन करके कांग्रेस के हाथों में हैंडल थमा दिए, जैसे अखिलेश जी तो कांग्रेस जाते जाते हैंडल लेती गई। अच्छा। और उसके बाद फिर एक चुनाव में वो बसपा संबंधित हाथी को अपने साइकिल पे बैठा लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि एसएन सिंह जी चूर हो गई। एसएन सिंह जी, आप अपनी उपलब्धियों को, एसएन सिंह जी
क्या यानी कि इन सब बातों से तो ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी जो है वो आपके लिए कड़ा प्रतिद्वंदी है इस वक्त, क्योंकि यहाँ आप अपना बखान करने से तो रह गए, आप दूसरी पार्टी का कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसको गलत साबित कर रहे हैं। बहरहाल, और रह जाती है बलात्कार की घटनाएं, एसएन सिंह जी, रह जाती है बलात्कार की घटनाएं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं खत्म हो गई हैं आपके आने के बाद। आपका पक्ष जानूंगी सर, पूरा मौका दिया आपको मैंने। विवेक सायाल जी हमारे साथ में मौजूद है। विवेक जी, समाजवादी पार्टी की ओर से आप जुड़े हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं और बीजेपी का जवाब भी सुन लिया है आपने, क्या जवाब देना चाहेंगे एसएन सिंह जी को इस वक्त? देखिए गीतांजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा अपनी रिपोर्ट में, आपने जो अभी वक्तव्य दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की कारस्थानी, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है ये भी आपने सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी को आज अपने कमल से ज्यादा साइकिल की चिंता सता रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान रही है, उसको डर भी है कि समाजवादी पार्टी उनकी उनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। ठीक है, पहले लोग पहले नाम बदलते थे संस्थाओं का, शहरों का, और विकास कराते थे, अब शायद कार्टून बना के विकास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कार्टून बना दिया तो उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा, शायद हो सकता है यही हो, जबकि सच्चाई ये है कि जब ये अपने विज्ञापन छपवाते हैं तो 5 साल तो कुछ किया नहीं। ठीक है, हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, तो कलकत्ता का फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री लगाते हैं, इनका तो यही हाल है। चलिए, मौका मिल गया इस विज्ञापन से, आपको भी एक मौका मिल गया। चलिए, आपसे भी जुड़ूंगी विवेक जी, एक एक प्रश्न पहले सबसे ले लूं। अजय चंद्र चौबे जी कांग्रेस से भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अजय जी, ये पोस्टर वॉर हमने देखा था, ये कार्टून वॉर भी हमने देखा, बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बात करती है, अपने कामों के बखान के बजाय दूसरी पार्टी को इस तरह से लोगों के बीच में खत्म करने की जो साजिश है वो कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? और साथ ही आपसे भी पूछना चाहते हैं, आप कहां पीछे छूट रहे हैं, आपकी ओर से प्रचार प्रसार का क्या माध्यम? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अजय जी, बिल्कुल मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र चेहरा इससे जनता के बीच में साफ साफ उजागर हो गया है, और इनके प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में दीदी और दीदी कह के किसी बहन का मजाक उड़ाते हैं, बताइए ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में शोभा देता है? और इनके मुख्यमंत्री जी हनुमान जी को धर्मांतरण करते हैं, मतलब जनेऊधारी बजरंग बली को ये बजरंग बली बताते हैं, बजरंग अली बताते हैं, और ये हिंदुओं की आस्था पे तगड़ा प्रहार करते हैं। अगर हिंदू समाज किसी की सर्वाधिक पूजा करता है तो वो राम भक्त हनुमान की करता है, और उन पे अटूट आस्था और विश्वास रखता है। जब ये राम भक्त हनुमान का लोग कार्टून बना सकते हैं और मजाक उड़ा सकते हैं, तो इनसे अपेक्षा ही क्या की जा सकती है? चलिए, बिल्कुल सही बात है। भाषा शैली जो है जब बेहतर नहीं है तो फिर आगे क्या? गुप्ता के सुरक्षा, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपका कमेंट दोबारा लूंगी अजय जी, फिलहाल दो तीन गेस्ट और हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया मैं ले लूं, आपसे जुड़ूंगी। हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी जुड़े हैं। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप थोड़ा सा संयम रखिए अजय जी, अजय जी आपको मौका मिलेगा सर, बिल्कुल, और जो बचा हुआ है ना वो भी कहिएगा, बिल्कुल मैं मौका दूंगी, एक एक प्रतिक्रिया सबसे ले लूं फिलहाल। रोहित जी, रोहित अग्रवाल आरजेडी से जुड़े हुए हैं। अजय जी की आवाज थोड़ी कम कर दे भाई। अजय जी, आपको पक्ष रखने का मौका मिलेगा सर, थोड़ा सा इंतजार करें जी। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से जुड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस पोस्टर वॉर के बाद में अब इस कार्टून वॉर को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल हो चुके हैं, ये जब अपने काम को बताने की बजाय अगर विपक्षियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, पहले भी देखा गया है किस तरीके से किसानों का अपमान इन्होंने पोस्टर के माध्यमों से किया था, वैसे ही ये विपक्ष का भी अपमान निरंतर करते हैं, पर जनता समझ चुकी है जब आपने झूठा विकास के गंगा बहाने का काम किया है, जब आपने कोई काम नहीं किया है तो आप अपनी आने वाली हार से डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये सब कहना कि पूर्वोत्तर सरकारों में बड़ा भ्रष्टाचार था, अगर भ्रष्टाचार था तो 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं जेल भेजा,
समाजवादी पार्टी वालों को सबको जेल भेज देते हैं अगर भ्रष्टाचार किया था उन्होंने तो। आपने तो एक मुकदमा नहीं दर्ज किया उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, तो आपके पास कोई हक नहीं है ये कहने का कि पूर्व सरकारों में कोई भ्रष्टाचार हुआ या कोई अपराध हुआ है। अगर अपराध हुआ है तो आपको उसके ऊपर एसएन सिंह जी सुन रहे होंगे, आप जवाब देंगे अभी कुछ देर में, एसएन सिंह जी से लेंगे ये जवाब, बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ में उनसे जवाब लेंगे। सुरेश चंद्र जी, इस पोस्टर वॉर पिक के बाद इस कार्टून वॉर को कैसे देख रहे हैं, और साथ ही बीजेपी की ये जो भाषा शैली हो गई है, कार्यशैली की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन ये जो भाषा शैली हो गई है जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस तरह से बीजेपी अपना चुनाव प्रचार करे, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी पार्टी के लिए इस तरह के पोस्टर्स को अपलोड करे या फिर इस तरह के कार्टून को अपलोड करे, ये बड़ा अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला। देखिएगा गीतांजलि, आपने बिल्कुल पहले ही कह दिया वो सारी बात कि इनकी कारिस्तानी है, और ये कोई नई बात नहीं है। जो मनवादी सोच के लोग हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तक और सारे के सारे लोग ये अच्छी तरीके जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब ये कार्टून बना रहे, उन्होंने पहले नारे लगाए जब बिहार में चीफ मिनिस्टर बने थे कर्पूरी ठाकुर साहब, तब इन्होंने नारे लगाए थे कर्पूरी नहीं कर्पूरा है, हाथ में कैंची उतरा है। राम नरेश यादव भी जब यूपी में चीफ मिनिस्टर बने थे तब इन्होंने नारे लगाए थे, ये तो आज कार्टून बना रहे। यानी कि आप इतिहास में पहुंच गए हैं बीजेपी के, ये पहला मौका नहीं है बीजेपी ऐसा करती रही है, ये आप कह रहे हैं। सुरेश चंद्र जी, जी 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 सुरेश चंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, और साथ ही विनय पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे अभी तक मैं नहीं जुड़ी हूं विनय जी, आप क्या कहेंगे इस पर? गीतांजलि जी देखिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब देखा आप लोग मुझसे बुरा न कोई। इसके पहले दिल्ली में चुनाव हुआ तो पूरे दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग करते रहे, दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग। बंगाल गए तो दीदी वो दीदी पे पूरा चुनाव उठा के करना चाहते थे। अब ये उत्तर प्रदेश आए हैं तो यहाँ पे इन्हें साइकिल हाथी झाड़ू फलाना ढकाना ये सब दिखेगा, काम की बात तो ये कहीं पे करते ही नहीं है, और हर जगह से हर प्रदेश की जनता इनके। विनय पटेल जी, काम की बात तो देखा जाए, विनय पटेल जी काम की बात तो देखा जाए, क्या कौन सी पार्टी कर रही है ये साफ समझ आ रहा है। शाहीन बाग का आप जिक्र कर रहे थे सर, दिल्ली इलेक्शन चल रहा था, शाहीन बाग का कोई हल नहीं था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई आवाज नहीं निकली थी उनकी, ये जिक्र था। आप शाहीन बाग का तो करिए मत सर। बहरहाल अजय जी, काम किया तो आप हमें वोट दीजिएगा, नहीं तो बहरहाल एसपी एसएन सिंह जी, ये तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, एसएन सिंह जी ये तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी को अपने कामकाज पर अगर इतना ही भरोसा है? जीत के लिए तो आप आश्वस्त हैं, आप ये कहते हैं कि जीत होगी, दोबारा से कमल खिलेगा, दोबारा से बीजेपी आएगी, और अगर इतने आश्वस्त आप हैं तो लोगों के बीच में आप अपने कामकाज को रख सकते हैं ना। आप इस तरह से पोस्टर्स लगाकर या इस तरह के कार्टून बनाकर क्या जताना चाहते हैं लोगों के बीच, क्या आपको वाकई लगता है ये काम करेगा? नहीं देखिए, हम अपने जो 4.5 साल में हमने जो कार्य किया है जगह जगह हर जिले में उसको आयोजन करके हम उस चीजों को अपने विकास को बता रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे, सुनिए आप हंसिए नहीं, सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको जो कहना होगा कहिएगा। अभी आपके विधायक कह रहे थे कि अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो ये जेल क्यों नहीं किए हैं, अरे आप सुन तो लीजिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में आए ही यही कह के कि हम शीला दीक्षित जी को जेल भेज देंगे, आपने जेल भेज दिया क्या? आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप नहीं सुनना चाहेंगे तो बात सुन लीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि आपके बोलने जी, एसएन सिंह जी, नहीं आप जो बतला रहे थे एसएन सिंह जी, एसएन सिंह सुन लीजिए, आप आपके बीच में मैं बोला हूँ क्या? पूछ के ही चलाते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं रोहित जी, अपना पक्ष रखने दीजिए सर, आप भी रखिएगा अपना पक्ष, भ्रष्टाचार में डूब आप जो उधर से, आप भी अपने पक्ष रखिएगा जी, कि नहीं आप जो आपके बीच में तो मैं बोला नहीं, जब मैं कह रहा हूँ एसएन सिंह जी आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, बीच में देखिए मैं बोल रहा हूँ तो आप मत बोलिए। देखिए जितने गेस्ट हैं मेरी गुजारिश है कि प्लीज एक एक बात पूरी हो जाए उसके बाद आप अपनी बात रखिए सर, दो बार तैयारी करिए, थोड़ा सा सही, आप प्रश्न भी पूछेंगे और उत्तर नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? आप अपनी बात पूरी करिए एसएन सिंह जी, प्रश्न पूछ रहे उत्तर तो ले लीजिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ जी, इन्होंने प्रश्न पूछा था तो मैं ही बताया कि भ्रष्टाचार के विरोध में इन्होंने सरकार बनाया कि हम केंद्र सरकार के तमाम लोगों को जेल में डाल देंगे और शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, इन्होंने कितना डाला ये जानते होंगे। अब आइए हमारे कांग्रेस के भाई साहब जो कह रहे थे, मतलब जेल में अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है तो आप डालेंगे कहाँ से जेल?
अच्छा भ्रष्टाचार का गाना मत गाते ना आप गलत बोल रहे हैं आप विनय जी भ्रष्टाचार का फिर गाना ही नहीं गाते ना भ्रष्टाचार हटाएंगे यही कह के तो आप दिल्ली में आए हैं सर चलिए आप अपनी बात पूरी करिए एस एन सिंह जी फिर मुझे औरों को भी मौका देना है आप कंप्लीट करें देखिए मैं कह रहा हूं कि हम विकास की बात करते हैं आज देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,41,00,000 उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है देश में सबसे ज्यादा स्वच्छ भारत मिशन में हम 2,61,00,000 इज्जत घर बनाए हैं ये विकास का मॉडल है जनधन योजना में हमने 7,00,00,000 खाते खोले तो सर विकास की जंग करिए ना फिर आप उज्ज्वला योजना में हम सर आप विकास की जंग करिए ना फिर एसएन सिंह जी आप विकास की जंग करिए ना आप दूसरी पार्टी के लिए विकास की जंग कर रहे हैं अगर आपको अधिकार है कि आप अपने कामों को लोगों के बीच में रखें तो औरों को भी अधिकार दीजिए उन्हें रखने दीजिए आप उनकी छवि को खराब क्यों कर रहे हैं आपको वाकई लगता है ऐसे छवि खराब होगी किसी और पार्टी की खैर ये राजनीतिक पार्टी है विवेक जी जी विवेक जी से मैं बात कर लेती हूँ विवेक जी ये जो कार्टून बना है स्पेशली आपके लिए बना है इस पर आपने अपनी जो भी आपकी मंशा थी जो भी आपकी बात थी वो आपने साफ भी कर दी है लेकिन क्या वाकई अब जैसे मैंने बीजेपी से प्रश्न किया कि विकास का मुद्दा अगर आप विकास करें तो विकास लेके चलिए और अगर मैं आपसे भी यही कहूंगी कि अगर आपके पास सही मुद्दे हैं लोगों के बीच में जाने की वजह है एक अच्छी और लोगों को अपनी ओर लुभाने की एक वजह है आपके कामकाज से लोग संतुष्ट हो सकते हैं आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं तो फिर आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं करने दीजिए फिर जो बीजेपी कर रही है आप अपने काम पे भरोसा रख के आगे चलिए ना सर क्यों फर्क पड़ता है क्योंकि चुनाव के दौरान तो ये सब होता ही है जी गीतांजलि चलिए मैं एक डेढ़ मिनट का समय लूंगा ज्यादा बताइए देखिए समाजवादी पार्टी ना ही नाले से गैस को निकालती है ना ही बादल के पीछे हम जहाज को छुपाते हैं और ना ही हम बत्तख से ऑक्सीजन निकालते देखिए एसएन सिंह जी मौका दे दिया आपने जी 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 वो ये सब काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है समाजवादी पार्टी मुझे बोल लेने दीजिए देखिए भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में महंगाई देख लीजिए चरम सीमा पार कर चुकी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को लगता है उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं बेरोजगार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अकेले 2,00,00,000 बेरोजगार अकेले उत्तर प्रदेश में है लेकिन इनको बेरोजगारी दिखती नहीं भ्रष्टाचार में आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कुंभ मेले से लेकर शमशान घाट पीपीई किट और ऑक्सीमीटर में कोरोना काल में शमशान की लकड़ियों तक को आपने नहीं छोड़ा दवाइयों की तो बात ही छोड़ दी महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 2 पे आ गया है छात्र छात्राएं जब अपना हक मांगने जाते हैं तो योगी जी कहते हैं कि हम घर को कुड़ुक करा दें आज किसान आंदोलनरत है 2022 तक आपने कहा था कि हम जो है उनकी आय को दुगनी कर दें व्यापारी आज परेशान है कर्जा ले रहे हैं व्यापार के लिए भी और चलाने के लिए सबसे महंगी बिजली महंगी शिक्षा और महंगी दवाइयां करके भारतीय जनता विवेक जी आप कहना चाहते हैं कि इतने सारे माइनस पॉइंट्स लेकर बीजेपी कैसे चुनावी मैदान में उतरेगी लेकिन आपके पास क्या प्लस पॉइंट्स है जिनको लेकर लोगों के बीच में उतरेंगे मेरा प्रश्न वही था अगर आपकी पार्टी मजबूत है अपनी बात को लोगों के बीच में रखने के लिए लोगों को लुभाने के लिए साइकिल चला के आए थे ना आप सत्ता में तो आप फिर दोबारा से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं सर क्यों आपको फर्क पड़ता है कि बीजेपी इस तरह के पोस्टर्स लगा रही है बीजेपी इस तरह के कार्टून लगा रही है और उस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में उतरेंगे ये तो फिर बेचारापन हो गया कि देखिए हमारे साथ क्या किया जा रहा है और हम आए मुझे बोल तो लेने दीजिए जी 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 मैंने तो पूरा मौका दिया सर आप रखिए अपनी बात भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक ठग है खुद 14 साल बाद सत्ता में आई है ये लोगों को ठकने आते हैं 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बता के 70,00,000 नौकरी बता के किसान की आय दुगनी करने की बात करके माँ गंगा की सफाई करने की बात करके स्मार्ट सिटी लेकर एक्सप्रेस वे लेके फिल्म सिटी लेके बुलेट ट्रेन लेके ये सब चीजें लेके ये ठकने का काम करते हैं लोगों को सपने दिखाते हैं और हुआ क्या विवेक जी क्या बुलेट ट्रेन नहीं चली है क्या सर बुलेट ट्रेन नहीं चली है क्या विकास नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल ये मानते हैं जितना भी थोड़ा बहुत हुआ उसे उसी सिरे से खारिज कर रहे हैं आप सुरेश चंद्र जी से मैं प्रश्न ले लेती हूँ सुरेश चंद्र जी आप चूंकि इतने वक्त आपने भी आप सत्ता पर रहे थे आपने पूरा वहां पर देखा सारी चीजें महिलाओं की भी बात की थी अरे विवेक जी संयम रखिए आपकी इस बात का भी जवाब दूंगी मैं आपकी बात को अवॉइड क्यों कर रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे और लोगों को भी वक्त देना है आपकी बात का जवाब भी दूंगी सर मेरे पास जवाब है ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पर सुरेश चंद्र जी आप सत्ता में आए थे विवेक जी थोड़ा संयम रखिए सर
थोड़ा सा संयम रखिए सर, थोड़ा सा संयम रखिए, एक काम हो रहा है ना, रुकिए, अरे संयम रखिए, आप उनकी आवाज डाउन करिए जरा। सुरेश चंद्र जी आप मौजूद हैं, आपने भी जो बीएसपी है वो भी सत्ता में आई है, बीएसपी ने अपने काम किए लेकिन जनता ने नकार दिया, उसके बाद में लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ में शायद मिलकर कुछ आगे बात बन जाए, उसमें भी खटास पड़ गई है। अब बीएसपी के आने वाले वक्त में क्या तैयारी है, क्या बीजेपी की तर्ज पे ही बीएसपी जनता के बीच में आएगी या कुछ खास तरह की तैयारी आपकी है? नहीं, हमारा तो पहले भी बड़ा सिद्धांत रहा है बीएसपी का, ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उमदा काम, उसके तहत जो हमारी पॉलिसी थी, योजनाएं थी, स्कीम थी, उनको या तो बीजेपी और सपा वालों ने बदल दिया या बंद कर दिया। आज हम बिल्कुल मजबूत है और उसी हिसाब से इनको बड़ा जवाब मिलेगा और ऐसा में अतिथि इतनी होती है जो इस तरह की इनकी जो माहौल बना रहे हैं मनोबल तोड़ने का, वो ये सफल नहीं होंगे, इसलिए जो इनकी कार्यस्थानी है उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, समय पर मिलेगा, चुनाव में जनता देगी। इन्होंने क्या किया है अब तक, इन्होंने यही किया है ना, हिंदू मुसलमान झगड़े प्रचार, मंदिर मस्जिद। अच्छा, अभी जो चर्चा कर रहे थे मेरे साथी कि पेट्रोल का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, कितने अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गए, बलात्कार है, बहन बेटियों की इज्जत का बात है, उसमें कहां क्या किया, कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने डिग्री कॉलेज बनाए जहां पर बच्चे एमबीबीएस कर ले, एमएस कर ले, एमडी कर ले, इसमें ये सारे लोग बीजेपी के लोग टोटली फेल है। हाँ, एक बात पे पारंगत है कि झूठ को इतने परोसते हैं कि वो सच जैसा नजर आता है, तो अब हम जनता को वही समझाने लगे हैं कि ये लोग आपके साथ झूठ फरे भी चालाकी हेरा फेरी चिटिंग करते हैं, कौन सा छेड़छाड़ दे चुका है, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, इंडियन रेलवे बेच दी, और इन्होंने यहाँ तक पेट्रोलियम सारा कुछ ऐसे कर दिया। एसएन सिंह जी बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, सब एक सुर में प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी से तो पहले भी बीएसपी ने शुरुआत किया था, हमने तो कहा नहीं कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ के जाइए, लेकिन समाजवादी ने गलती किया कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने गलती किया, ये छोड़ के चले गए और आरोप लगाए कि किसी तरह से हमारी जान बच गई, लेकिन फिर 2017 में भी ये गठबंधन कर लिए थे, चले गए। रही बात जो ये कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की, अब सुन लीजिए, अपने कह दे रहे हैं, एक एक चीज गिना रहे हैं। बहुत बहुत कम शब्दों में सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है यहाँ पर, थोड़ा सा कम शब्दों में आप मुझे बताएं, या फिर मैं थोड़ा ब्रेक के बाद लौटूंगी आपके पास, तो आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी। तो हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी जो है अब आश्वस्त है जीत को लेकर, लेकिन फिर भी जीत के लिए लोगों के बीच में अपने कामों को रखने के साथ साथ पोस्टर वॉर और कार्टून वॉर तक ये बात चली गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इस सब करने की क्या जरूरत है, और साथ ही आगे जो और पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, उनका क्या स्टैंड है इस पर। हमारे साथ में चर्चा के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में है विवेक साइलस जो कि प्रवक्ता हैं एसपी, विनय पटेल हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े थे हमारे साथ में, शायद अब हैं, और इनके अलावा रोहित अग्रवाल है हमारे साथ में, आरएलडी प्रवक्ता है, एमएन सिंह जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, अजय चंद्र चौबे प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आप अपना पक्ष रख रहे थे सुरेश जी, ये तो आपसे बात होगी शायद, विवेक जी आपसे मेरी बात हो रही थी, ये जो तमाम बातें हैं, चाहे हम किसी भी लिहाज से इसे देखें, चाहे हम देखें कि बीजेपी अपना प्रचार प्रसार इस तरह से कर रही है, चाहे हम देखें कि बीजेपी औरों को कहीं ना कहीं कमतर आंक रही है, क्या वाकई ऐसा लगता है? एसएन सिंह जी, आरोप आप पर बहुत सारे लग रहे हैं, जैसे अभी और तमाम जो विपक्षी दल के लोग जुड़े हैं। जी जी, हम प्रचार इस माध्यम से नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने विकास का प्रचार करेंगे ही अगर किए हैं, हमने तो एक सच्चाई बताया कि तो समाजवादी पार्टी को कमतर दिखाना भी आपका विकास है क्या सर? समाजवादी पार्टी को अपने कार्टून के जरिए कमतर दिखाना भी क्या आपका प्रचार विकास है क्या? एक चीज बता दो, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश में रही नहीं, प्रदेश के लोगों ने देखा
कि किस तरह से एक परिवार की पार्टी पूरे प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के और 10-15 लोगों को फायदा पहुंचा रही है। उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने लाइन ऑर्डर को भी देखा कि किस तरह से मथुरा में कांड हो जाता है, किस तरह से मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ कांड हो जाता है, किस तरह से एक 2 महिलाओं के साथ 12 लोग रेप कर लेते हैं, किस तरह से एक पत्रकार को जिंदा जला दिया था। उनके काम को हम देख लिए, हम अपने काम को बता रहे थे कि हमारे समय में आप देख रही होंगी कि लाइन ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है, सबके लिए एक नीति है। एसएन सिंह जी, जिस लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो भी अभी सुर्खियों में है जनाब, जिस लाइन ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो सुर्खियों में है। एक व्यापारी को उठाया जाता है, उसे मार दिया जाता है, एक भी अभी तक कोई इसमें ढंग से आपने आपके कानून मंत्री कहते हैं कि इस पर काम करेंगे। क्या काम किया सर आपने? लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए आप, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर है या होने वाले जो लगातार इस तरह की बात हो रही है और रह जाती है, बलात्कार के मामले कम नहीं है सर, अभी भी बहुत है। जिंदा जलिए आप ही के कार्यकाल में एक लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया, पीड़ित थी, बलात्कार पीड़ित का गठन कर दिया जाए, विवेक साइलेश जी के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जाता है। विवेक साइलेश जी, एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं आप, और अभी आपने बात सुनी है एसएन सिंह जी की, क्या कहेंगे? प्लीज सर मुद्दे से मत भटकाइएगा, जिस बातों पे बात हो वही करें। विवेक जी आप अपना पक्ष रखें जी, सवाल दोबारा से पूछ लीजिए। विवेक जी अभी आपने सुना होगा एसएन सिंह जी को, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है और इसी लॉ एंड ऑर्डर के बलबूते जो है लोगों के बीच में जाएंगे, वाकई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, मान रहे हैं आप? देखिए गीतांजलि जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब राजनीतिक ठग हैं, सिर्फ बातें करते हैं। जिस प्रदेश में IAS और IPS रंगदारी उतारते, जहां पर CO और SDM के सामने बलिया में हत्या हो जाती है और इनका विधायक हत्यारे के साथ खड़ा हो जाता है, जिस प्रदेश में हर 2 घंटे पे एक महिला का बलात्कार होता है, अभी हमने देखा यहाँ पर पंचायत चुनाव में चुनाव जीतने के लिए एक महिला की अस्मत तक खींच ली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे कि इसको आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का, अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं एक बात, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को क्यों दी, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आज उत्तर प्रदेश में क्यों है, और हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि जंगल राज है, और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है, ये कोर्ट कह रहे हैं। और छोड़िए इनके विधायकों की बात करें, इनके श्याम प्रकाश विधायक है या हरदोई से, वो कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार और इतना अपराध हमने किसी सरकार में होते हुए नहीं देखा। ब्रिजभूषण राजपूत को देख लीजिए, इन्हीं के विधायक हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होते खनन में हमने कहीं नहीं देखा। इनके जो लोनी के विधायक है उन्होंने स्पष्ट कहा, जब शमशान की छत गिर गई थी जिसमें ये लोग दलाली खा गए थे, उन्होंने कहा कि हमको 50% कमीशन। एसएन सिंह जी इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर सर, कैसे चुप बैठे हैं आप? अच्छा इन्होंने सवाल पूछा, कैसे चुप बैठे हैं आप? इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर, उंगलियों पर गिनकर फेरिस लेके बैठी है समाजवादी पार्टी। उसी का जवाब ले लीजिए, 2012 में 227 जवाब ले लीजिए प्रदेश में, उसी का रिकॉर्ड है। 2013 में 247 दंगे हुए इनकी सरकार में, उसका रिकॉर्ड ले लीजिए। 2014 में 242 दंगे हुए हैं, उसका रिकॉर्ड बतला दें। 2015 में 219 दंगे हुए हैं, उसका रिकॉर्ड बता दें, पहली बात। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार अब आपकी है और आप पिछली सरकार की बात करेंगे, उनके कामकाज की बात करेंगे सर? अपमानित करने का काम जो सरकार करती थी उसका भी हिसाब ले लीजिए। आज जो है, नहीं नहीं, जो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपको रिकॉर्ड ही बता रहा था। थोड़ा आप संयम बरतिए, आपका नाम विवेक है, विवेक जी थोड़ा विवेक से अधिक दंगा प्रतिशत हुआ है 5 वर्षों में, आप अपना रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आप केवल मस्जिद और उसके इर्द गिर्द जो रहे उसका रिकॉर्ड बतला दीजिए। आप जो है अब जाके जो अयोध्या में घंटा बजा रहे हैं वो भी एक विकास हुआ है, नहीं तो राम भक्तों पे जब आप गोली चलाए, क्या आपको नहीं था कि वो धर्म का आस्था है? आपको नहीं था कि राम मंदिर धर्म का आस्था उसके पक्ष में? एसएन सिंह जी बता ही रहा था, क्या वाकई आपको लग रहा है आप अपना सही पक्ष रख रहे हैं? एसएन सिंह जी वाकई आपको लग रहा है आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं? 5 एक्सप्रेस क्या आप खामियां गिना रहे हैं सर? ये विकास नहीं है, आपके घर से बनना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम बॉम्बे पर समाप्त हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस, आप आओ ना, मेरा नंबर ले लीजिए, आप आइए, मैं आप देखिए
आप जब मैं चलिए चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, बीच में मत बोलिए। बीएसपी से सुरेश चंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी सर, आप बहुत बहुत अपना पक्ष और ये सब आरोप प्रत्यारोप कर चुके हैं। आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, आप देखना तो चाहे सर, कानपुर में, कानपुर में मेट्रो आप संयम रखिए प्लीज। सुरेश जी आप अपनी बात पूरी करें, क्या कहना चाहते हैं? आज 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 जो रैपिड रेल मेरा विवेक जी सिंह जी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज औरों को भी बोलने दें। मेट्रो बन रही है वो आपने बनवाया। अरे विवेक जी आप थोड़ा संयम रखिए सर, बीएसपी बीएसपी कुछ बोलना चाहती है, बीएसपी भी कहना चाहती है आपके साथ साथ। और किसी एक जाति धर्म के लोगों के लिए काम करिए, आप कितना संयम रखिए, थोड़ा ऑडियो डाउन कर दे प्लीज, आप ऐसे तो नहीं मानेंगे। चलिए सुरेश चंद्र जी अपने पक्ष रखना चाहते हैं, सुरेश चंद्र जी आप अपने पक्ष रखिए, सुरेश जी आप अपना पक्ष थोड़ा सा देश को जनता रही। अरे गीतांजलि जी हम लोग भी बैठे हैं, तो जनता ने ही आपको हटाया, हमने थोड़ा ना हटाया, बिल्कुल जनता ने हटाया। सुरेश चंद्र जी आप अपना पक्ष रखिए सर, देख लीजिए एसएनसी जी थोड़ा सा सही रखिए सर। आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि जो अपराधी आपके समय में पैसा कमाए थे उनके जमीनों को जद्दोजहद किया जा रहा है, तो दर्द आपको हो रहा है। चलिए चलिए ये तो बीजेपी सुनिए, आप थोड़ा सा सही रखिए भाई, ऑडियो डाउन कर दे प्लीज हमारी सरकार। सुरेश जी की बात सुनिए, सुरेश जी अपना पक्ष रखिए, सुरेश जी आप अपना पक्ष रखिए सर, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ आपको। मथुरा में सुरेश जी आप अपना पक्ष, आपके समय में मथुरा में एक एसपी मारा जाता है रामवृक्ष यादव के समर्थन में, आपके समय में नहीं होता है, बाकी लग रहा है आपको इस तरह से बात हो पाएगी एसएन सिंह जी? वही बता रहे हैं कि आपके समय में जो है रामवृक्ष यादव को मारा भाई, आप लोग आपस में बाद में बात कर लीजिएगा, फिलहाल और लोग भी जुड़े हैं उनको मौका देने दीजिए प्लीज। देखिए हम किसी के पल में हम भाई ऑडियो डाउन कर दें आप, इस तरह के ऑडियो डाउन करें इनका, देखिए हर तरह। चलिए सुरेश जी आप अपनी बात रखिए, सुरेश जी आप अपना पक्ष रखिए, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, नहीं तो फिर मैं किसी और को मौका दूंगा। आपको हटाया, आपका इतना विकास रहता तो हमको मार के हटाया। अरे सर आप अपने विकास की बात करिएगा ना, विकास की बात करिएगा, रुकिए तो सही सही रखिए। हमने जनता का विश्वास, सुरेश जी विश्वास जीता और जनता जान गई कि केवल एक धर्म के लोगों को, एक जाति के लोगों के लिए यही प्रॉब्लम है सर, आप लोगों की काम करती आप लोगों की यही प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे में कमियां निकालिए लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मत सोचिए। आपसे बड़ा झूठा कौन है? विकास की बातें मेट्रो तक रखिए आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए सुरेश जी आप अपने पक्ष रखिए, मैं आपसे कह रही हूँ आप अपनी बात शुरू करिए, आप प्लीज दोनों थोड़ा संयम रखिए प्लीज प्लीज। सुरेश जी हाँ हाँ कितने उद्योग क्षेत्र और अभी हम जनता को बताएंगे बीवी झोंके भाड़ बाहर मियां सूबेदार, ये झूठी झूठी बातों को हम पब्लिक तक ले जा रहे हैं। हमारे शासन काल में माने बहन जी के शासन काल में यही ब्यूरोक्रेट हनुमान चालीसा पढ़ते थे, बोलते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई, जब उनके दौरे की खबर लग जाती थी। आपके उनसे कोई डरता है क्या? पैसा वसूलने से डरते थे ना, डीएमएसपी को पैसा वसूल के देना पड़ता था। चलिए मेरे पास वक्त चुकी कम है, वक्त चुकी कम है, मैं एसपी को पैसा वसूल के देना पड़ता था। आम आदमी पार्टी से विनय पटेल जी जुड़े हैं, अजय चंद्र चौबे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, इनका भी पक्ष में कम ले पाई हूँ, साथ ही रोहित जी को भी बड़ी शिकायत है कि उनका भी पक्ष सुन लूं। चलिए मैं आपसे शुरू करती हूँ, विनय पटेल जी आप अपना पक्ष रखिए सर, किसी को बता दीजिए। विनय जी आप अपना पक्ष रखिए, दिल्ली से लेकर अब उत्तर प्रदेश में कहां अपनी जगह आप तलाश रहे हैं, जगह देगी उत्तर प्रदेश की जनता? नोट गिनने वाली मशीन, टिकट में पैसा लेने वाली मशीन लगाकर एसएनसी जी, विवेक जी प्लीज संयम रखिए, देखिए जनता जान गई थी तभी तो आपको हटाई। विनय पटेल जी आप अपनी बात शुरू करें सर, आपको भी भगा देगी। चलिए वो अरे सर तो जनता को तय करने दीजिए ना, आप आज इस डिबेट में तय कर लेंगे क्या? चिंता मत करिए, आप इस डिबेट में तय कर लेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। चलिए सामने ही नहीं दिख जाएगा, तो वो दिख रहा है, वो तो अभी से दिख रहा है। प्लीज थोड़ा सही, विनय पटेल आप अपनी बात रखिए सर, वक्त कम है मेरे पास, फिर आप कहेंगे मैंने आपको बाहर, आप अपनी बात शुरू करें सर। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, नहीं मुंह काला करके ही भगाई थी, मुंह काला करके ही भगाई थी जनाब, अच्छी बात है आपने कहा मुंह काला ही होगा। ऑडियो थोड़ा डाउन कर दे पीसीआर, मेरी रिक्वेस्ट है, और लोग भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ, जल्दी थोड़ा पक्ष रखें आप अपना। विनय जी नहीं उसको अच्छे से धुल के आइएगा ना,
जो मुंह काला हुआ है उसको अच्छे से धुल के आइएगा। विनय जी मैंने पूरा मौका दिया आपको, आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। बाकी कांग्रेस से हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। अजय जी आप अपना पक्ष रखें वरना कहेंगे आपको मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा हो गया है, सब सब हम दो और हमारे दो का विकास, अब बाकी पूरे देश का सर्वनाश। आज किसानों की लागत 3 गुना हो गई है, किसानों का घाटा 3 गुना हो गया है, लेकिन इनके उद्योगपति मित्र की संपत्ति 1 साल में 4 गुना बढ़ गई है। और इनका चरित्र जो है महाराष्ट्र में, ये रात के उजाले में सरकार बनाते हैं और दिन के उजाले में बेनकाब हो जाते हैं। रह गई बात उत्तर प्रदेश में, योगी जी के विकास का मॉडल विनाश का मॉडल हो गया है। आज ये विकास की बात नहीं करते हैं, आज ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, आज ये किसान की बात नहीं करते हैं। चारों तरफ जंगल राज मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, और इस जंगल राज से निजात दिलाने के लिए तो अजय जी बहुत बड़ा मुद्दा है आपके पास। जनता चुनाव में घेरिएगा सर, मजबूती के साथ आइएगा चुनावी मैदान में। रोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा बहुत कम टाइम है। रोहित अग्रवाल जी आप अपनी बात रखिए, आपका फाइनल पक्ष रखिए सर। रोहित अग्रवाल विकास नहीं किया है, आपको धर्म के नाम पे जाति के नाम पे लोगों को बांटना चाहती है और अजय जी से बांटना चाहती है। ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं और भगवान राम के नाम पे ठगी करने का काम इन्होंने किया है। अयोध्या में किस तरीके से जमीन घोटाला हुआ है, किस तरीके से इनके विधायक इनके मेयर सबने मिलके और किस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा ठगने का काम किया है जनता से, वो सब भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर इस पूरी डिबेट में हमने यही देखा है, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो एक सोच होनी चाहिए विकसित, वो इस बातचीत में तो कम से कम नहीं नजर आई है। उम्मीद करते हैं कि चुनावी मैदान में ये सब चीजें नजर आएंगी ताकि उत्तर प्रदेश की जनता चुन सके किसी एक पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।